बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछले लेक्चर में किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ बी सी एंड डी आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, बी पॉइंट गिवन है हमें जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 1 और सी पॉइंट भी हमें गिवन है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3 और डी पॉइंट हमें गिवन है -8, 0। ठीक है, तो यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। हमने ए पॉइंट फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और ए पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट को इसी तरह से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया था एक्स वाई कर लें, और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम मतलब कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ए डी वेक्टर को बी सी वेक्टर के इक्वल रख देंगे और वहां से फिर उनके कंपोनेंट्स को एक्स और वाई कंपोनेंट्स को कंपेयर करके हम ए के जो है निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्वेश्चन हम आप खुद से सॉल्व करें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ पी इज द ओरिजिन, अगर पी जो है वो इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी है, मतलब कि ये दोनों वेक्टर जो है वो इक्वल है, फाइंड द पॉइंट पी, आपने पॉइंट पी फाइंड करना है व्हेन ए एंड बी आर, ए और बी पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, ए पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 7 और बी पॉइंट भी आपको गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, सही, तो पी पॉइंट आपने फाइंड करना है, मतलब कि पी पॉइंट फाइंड करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स खुद से ले लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है, जनरल ले लेते हैं, तो हमने फाइंड करना है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, हमें गिवन है ओ पी इज इक्वल टू ए बी और यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स भी ए और बी पॉइंट्स भी गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा, अब देखें ओ पी, ओ तो पता है कि ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही होते हैं, ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0 होते हैं, ठीक है, तो ओ पी हम फाइंड कर लेते हैं, ओ पी, ओ पी कितना आएगा, पी पॉइंट ये है, पी पॉइंट हेड है और ओ पॉइंट टेल है, तो ये बनेगा ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू 0 ओ पी मतलब 0 - x, 0 - y, ये वेक्टर बन गया ओ पी वेक्टर। इसी तरह से ए बी वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी जो है वो हेड है, ए जो है वो टेल है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 + 3, 0 - 7, ठीक, तो इसको हम एक्स और वाई कॉम्पोनेंट को अलग अलग करते हैं तो ये बनेगा 0 - x मतलब कि -x - xi - y j, ठीक, और इसी तरह से ए बी जो है वो बनेगा 4i - 7j, और हमें कहा गया है कि ये दोनों वेक्टर्स ओ पी और ए बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जो हैं वो इक्वल हैं, तो इनको इक्वल रख लेते हैं, ओ एज ओ पी इज इक्वल टू ए बी है तो ओ पी वैल्यू है -x i - y j, और ए बी के नीचे हम उसका वेक्टर रख सकते हैं 4i - 7j, ठीक है, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके दो वेक्टर जो भी हैं इक्वल हैं, उसका मतलब ये है कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे, तो दोनों के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसका -x, ठीक है, और ए बी वेक्टर का 4 है, तो मतलब कि -x इज इक्वल टू 4
और y कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टेन, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टेन, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर और y की वैल्यू आ जाएगी टेन, ठीक। तो यही हमने फाइंड करने थे, x और y क्या चीज है, p के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ से p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए, p जो है वो है माइनस फोर कॉमा टेन, ठीक। तो यही हमने फाइंड करने थे इस क्वेश्चन में, कर चुके। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है, ठीक है, 7 और 8 की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये है कि इसमें हमने शो करना है, उसमें हमने फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में है यूज वेक्टर टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मतलब कि हमने अब शो करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हमें ए बी और सी और डी हमें पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। ए पॉइंट गिवन है 0.0 और बी पॉइंट हमें गिवन है 1.0 और सी पॉइंट हमें गिवन है डी कॉमा सी और डी पॉइंट हमें गिवन है बी माइनस ए कॉमा सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है और ए बी सी डी पॉइंट हमें गिवन है, हमें कहा गया है कि वेक्टर मेथड आपने यूज करना है और आपने शो करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से शो करेंगे कि कोई दो वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, और मतलब कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, इस तरह कर लेंगे, ठीक है। ए डी फाइंड करेंगे, ए डी वेक्टर, सही, और उसके बाद बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। या फिर हम दो और साइड ले लेते हैं, ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी, अगर ये दोनों साइड जो है दोनों वेक्टर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी का पैरेललोग्राम। तो यही इस क्वेश्चन में करना है, तो ये आप खुद से करें, ठीक है, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ये दोनों वेक्टर अप्रोच आप ले लें तो इससे आप इक्वल शो कर दें, अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब कि हमें गिवन है कि ए बी वेक्टर जो है वो बराबर है सी डी वेक्टर के, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ए के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स हम खुद सपोज कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई, ये आपने फाइंड करने हैं। तो व्हेन पॉइंट्स बी सी डी आर गिवन, ठीक है, बी सी डी पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट है 1.2 और सी पॉइंट है -2.5 और डी पॉइंट भी गिवन है जो कि है 4.11। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं जबकि आपको बी सी डी पॉइंट गिवन है और आपको कहा गया है कि ए बी वेक्टर बराबर है सी डी वेक्टर के। तो यहाँ से हम ए बी वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स को यूज करते हुए, और सी डी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं सी और डी वेक्टर को यूज करते हुए, ठीक है। तो इसी तरह से आ जाएगा ए बी वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और सी डी वेक्टर आ जाएगा और उन दोनों के कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्स जो है कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को कंपेयर करके वहां से ए के कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं एक्स और वाई, ठीक है, वो वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करें। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला देखते हैं कि अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हो, ठीक है, एक पॉइंट है ए पॉइंट, सही, और एक पॉइंट है बी पॉइंट, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में लाए करते हैं, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में लाए करते हैं, एक्स वाई प्लेन में लाए करते हैं। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, मतलब कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो कि ओरिजिन से जिसकी पोजीशन बताई जाती है, ठीक है, तो ये ओरिजिन से इसकी पोजीशन ये बनती है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बनता है ए का, ठीक है, इसको हम स्मॉल ए वेक्टर कह सकते हैं। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगी,
ओरिजिन से ये पोजीशन वेक्टर, मतलब कि ओरिजिन से लेकर वहां तक का वेक्टर, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से वेक्टर बनाया जाए तो वो उसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है, तो ये वेक्टर बनता है बी। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि अगर अगर हमें कहा जाए कि ए और बी जो है दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो जिसके पोजीशन वेक्टर भी हमने देख लिए कि क्या है, ए और बी हैं, तो अगर पॉइंट ई कोई ऐसा पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है ए बी वेक्टर को, ठीक है, ए बी जो वेक्टर बनता है, मतलब कि ये जो वेक्टर बनता है ए बी वेक्टर, ए को बी से जॉइन करने से जो वेक्टर बनता है, इस वेक्टर को अगर कोई पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट लाया करता है, यहाँ पर लाया करेगा कोई सा भी पॉइंट, हम इस वेक्टर के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, पी पॉइंट, यहाँ पर पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इस वेक्टर को एक रेशियो में, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उस रेशियो को कह देते हैं पी रेशियो क्यू रेशियो, ठीक है, पी रेशियो क्यू, मतलब के ये पी बन गया, ये पी रेशियो क्यू, ठीक है, तो क्या हमने बात की कि ए पॉइंट और बी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाए कर रहे हैं, ठीक है, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा जो कि ओरिजिन से पोजीशन होगी उसकी, ठीक है, और बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो वेक्टर बनता है वो ए बी वेक्टर है, और एक पॉइंट जो है वो इस वेक्टर के ऊपर लाए कर रहा है, ठीक है, जो कि इस वेक्टर को ए बी वेक्टर को रेशो में डिवाइड कर रहा है, पी की रेशो क्यू में डिवाइड कर रहा है, तो हमने अगर इस पॉइंट का पी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर फाइंड करना हो तो वो कौन सा वैक्टर बनता है, ये वैक्टर बनता है, यहाँ इस पॉइंट से ओरिजिन तक हम वेक्टर अगर कोई बना दें, ये वेक्टर बना दें, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बनता है, ठीक है, तो किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो ये पॉइंट और हमने उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना हो, उसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम आर से रन कर देते हैं, ठीक है, ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर किसके बराबर होगा, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ए क्यू इंटू ए, ठीक है, ए क्या चीज है, वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और प्लस पी इंटू बी डिवाइडेड बाय दोनों रेशियोज का सम, यू प्लस क्यू, ठीक है, मतलब कि ये वाली रेशियो इस पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसकी रेशियो, ये वाली रेशियो जो है इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो पी प्लस क्यू हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये वाला पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जो कि उस पॉइंट का है जो उस वेक्टर को ए बी वेक्टर को डिवाइड कर रहा है इसी रेशियो में, तो ए क्यू और जो पी जो है वो रेशियोज हैं, ए और बी जो है वो पोजीशन वेक्टर है हमारे पॉइंट्स की, ठीक है, जिससे एक वेक्टर बन रहा है और पी प्लस क्यू जो है सम ऑफ रेशियो हो गया, तो यही क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो हमने वो पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो, मतलब कि दो हमें पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है सी, उसे कह देते हैं स्मॉल सी, जो के बराबर है टू आई माइनस थ्री जे के, सही है, इसी तरह से हमें डी वेक्टर, डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जिसको हम स्मॉल डी वेक्टर कह देते हैं, तो इक्वल टू थ्री आई प्लस टू जे, थ्री आई प्लस टू जे, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो हमें कहा गया है कि एक पॉइंट ऐसा है जो कि इस पॉइंट इस सी डी जो है वेक्टर बनता है, सी डी वेक्टर उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सी डी वेक्टर को डिवाइड कर रहा है, डिवाइडिंग सी डी वेक्टर, पॉइंट पी कह देते हैं, पॉइंट पी डिवाइडिंग सी डी वेक्टर इन रेशियो फोर रेशियो थ्री, ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं और पॉइंट पी है और उसका
जो है वो पोजीशन वेक्टर क्या बनता है, पी का लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज आर, ठीक है, उसको आर से प्रेजेंट कर देते हैं। तो आर हमने देखा कि फार्मूला किसके बराबर आता है, वो हम सॉल्व करते हैं तो उसी फार्मूला से। और इसके लिए फिर से मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेन बना देता हूँ कि इस सवाल में हमें कहा क्या गया है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा प्लेन है जिसमें दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक पी और एक डी, ठीक है। पी पॉइंट ये है और डी पॉइंट ये है। तो ये पी का पोजिशन वैक्टर क्या कौन सा बनता है, जो कि ओरिजिन से उसका बनेगा, ठीक है, ओरिजिन से लेकर उस पी पॉइंट तक ये पी वेक्टर बनता है, ठीक है। और इसी तरह से डी का पोजीशन वेक्टर ये बनता है, ठीक, ये बन गया। अब सी डी वेक्टर एक बन रहा है, सही है, सी और डी को ज्वाइन करने से एक वेक्टर बनता है। सी डी वेक्टर इस पे एक पॉइंट ऐसा लाया कर रहा है पी पॉइंट, जो कि इस वेक्टर को 4:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये बनता है, तो इस पोजीशन वेक्टर को आर कह देते हैं। यही हमने आर फाइंड करना है। तो ये किस तरह से बनेगा, 3 × c वेक्टर + 4 × d वेक्टर, जो हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। इस रेशियो को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशियो को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, मतलब के 3 × c वेक्टर + 4 × d वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 + 4 या 4 + 3 था। तो ये आ गया हमारे पास सी वेक्टर क्या है, 2i − 3j + 4 × d। डी वेक्टर हमारे पास क्या है, जो हमें गिवन मतलब कि गिवन है हमें, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी पॉइंट, जो कि है 3i + 2j, सही, डिवाइडेड बाय 4 + 3 = 7। और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वेक्टर के साथ, ये बन जाएगा 6i − 9j + 4 इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर, तो 4 × 3 = 12i + 8j डिवाइडेड बाय 7। तो ये वेक्टर बनता है हमारे पास 1/7 × i को आपस में सॉल्व करते हैं, j को आपस में सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 18i − j डिवाइडेड बाय 7, सही है। तो इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं, 18 / 7 i −1/7 j, सही। ये वो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, जो के उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो हमारे सी डी वेक्टर को 4:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग, ठीक है। मतलब कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। तो हमें कहा गया है कि अगर इन कोई भी ऑपोजिट टू साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें, मतलब हमें कहा गया प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कोई भी दो साइड्स हम ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये साइड और ये साइड ले लेते हैं, ए बी सी डी, एक हमारे पास क्या है ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें हम कोई से भी दो मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, इस साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं, इस साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं डी और इस पॉइंट का नाम ई रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने प्रूव ये करना है कि इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने तो ये साइड इस साइड के पैरेलल बनती है, मतलब कि कोई से भी दो साइड जो है उसके मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें तो थर्ड साइड के पैरेलल वो लाइन बन जाती है, ठीक है। मतलब कि हमने वेक्टर मेथड यूज करना है इसको शो करने के लिए। तो
और साथ में हमें कहा यह भी गया है कि आपने यह भी शो करना है कि ये लाइन जो है ये इसकी इसका मैग्नीट्यूड इस लाइन के मैग्नीट्यूड के हाफ है। ठीक है, ये हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमने स्लोप से यूज की, स्लोप यूज करके हमने प्रूव किया था। अब हमें वेक्टर्स यूज करते हुए इसको प्रूव करना है, तो डी ई वैक्टर शुड बी इक्वल टू बी सी वैक्टर। ठीक है, ये हमने इक्वल नहीं, पैरेलल टू, तो पैरेलल हम यूज करेंगे। तो वो किस तरह से हम करेंगे कि आप इस में से डी जो है वो निकाल लेंगे पॉइंट ए बी सी डी। ए बी सी आपको गिवन है पॉइंट। ठीक है, तो आपने यहां से निकाल लेना है कि मतलब कि कोई भी हम इसमें पॉइंट ले लेते हैं, इसको x1 y1 कह देते हैं, x1 y1, ठीक है, इसको x2 y2 कह देते हैं, ठीक है, इसको x3 y3 कह देते हैं। ठीक है, कोई सा भी हम इसमें से ले सकते हैं। इसमें अब करना क्या है कि इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। d जो है वो मिड पॉइंट है ए बी साइड का, और e जो है वो मिड पॉइंट है ए सी साइड का। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे दोनों। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, फिर उससे एक वेक्टर बनेगा। ठीक है, वो वेक्टर हम डी ई वेक्टर, जिस तरह से दो पॉइंट हमें गिवन हो तो हम वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, तो डी ई वेक्टर हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डी ई वेक्टर सबसे पहले डी पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, मिड पॉइंट डी और ई जो है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम डी ई वेक्टर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके होंगे। तो अब डी ई वेक्टर फाइंड करने के बाद हम बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, और दोनों जो है एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, मतलब के उसमें से कॉमन लें तो हमारे पास डी ई बन जाए, बी सी में से कोई कॉमन लें तो हमारे पास डी ई बन जाए। ठीक है, तो स्केलर मल्टीपल एक दूसरे के होने चाहिए, तो उससे वो शो हो जाता है कि ये दोनों वैक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। वैक्टर्स पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये डी ई शुड बी इक्वल टू K into DE should be equal, BC should be equal to DE should be equal DC should be equal to K into DE। ठीक है, जो है BC जो है उसको किसी DE को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास BC बन जाए, तो ये स्केलर मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये दोनों वेक्टर्स BC और DE आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, इस तरह से हम पैरेलल शो कर देंगे और मैग्नीट्यूड निकाल के, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल के हम ये भी देख लेंगे कि ये दोनों आपस में क्या उनका रिलेशन बनता है, ये इसका हाफ बनता है या नहीं बनता। तो यही चीजें हमने इसमें प्रूव करनी है। 14th पार्ट जो है 14th क्वेश्चन, उसमें भी ये चीज है कि आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, उसके आपने मिड पॉइंट्स लेके उनको ज्वाइन करना है, वेक्टर्स बनाना है और उसको पैरेललोग्राम शो करना है। तो 13 और 14th क्वेश्चन आप खुद से करें, ये हम पहले भी कर चुके हैं स्लोप्स यूज करते हुए, लेकिन आप ये वेक्टर्स यूज करते हुए करेंगे। तो पूरा मेथड आपको मैं बता चुका हूँ, तो ये आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे।